यहां देखिए, हम यहां थे 405। अब होगा क्या, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों को जरा आपस में ऐड करें। 0.74 में से अगर आप निकालते हैं 3.405, तो ई नॉट क्या आता है इन दोनों का, -2.665। जब याद रखें पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। नहीं। इसका मतलब अगर आप लिथियम के आयंस में क्रोमियम को ऐड कर देंगे तो कभी भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। नहीं। अच्छा, एक चीज तो ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, मैं ब्लू से बनाता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं क्रोमियम के आयन लूं और लिथियम में ऐड करूं, यानी क्रोमियम के आयन हो और लिथियम पॉजिटिव हो। ये देखिएगा, क्रोमियम के आयन है और मैं इसमें लिथियम को ऐड करूं, जिसके बाद क्रोमियम लिथियम से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाए और लिथियम जो है वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाए। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो अब मैं ई नॉट निकालता हूँ। जी, ई नॉट में क्रोमियम वही रहेगा जो पहले था, -0.74, क्योंकि ये तो रिडक्शन कर रहे हैं ना। लेकिन मुझे बताएं, क्या लिथियम की वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप लिथियम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अगर उसकी रिडक्शन नेगेटिव है तो उसकी ऑक्सीडेशन पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव माइनस सॉरी प्लस करके 3.405 आपकी ई नॉट आएगी 2.665। इसका मतलब आप इसके जरिए पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मुझे लिथियम और क्रोमियम की कोई बैटरी बनानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिथियम की रॉड लूंगा और उसको क्रोमियम के सॉल्यूशन में डिप कर दूंगा। बात समझ आई है वाली? आपका सेल, आपने जो देखा होगा आम जो सेल है, आपके सेल के दो पार्ट होते हैं। ये ऊपर एक ऐसे बना होता है जिसको आप पॉजिटिव पार्ट कहते हैं और ये नीचे की तरफ अगर जाएं तो यहां उसका नेगेटिव पार्ट है। अब सेल के अंदर ये एक आपका वो रॉड लगा होता है जिसको आप ग्रेफाइट रॉड कहते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहां पर किसी को याद हो, आप में से पुराने सेल्स में ना लिक्विड हुआ करता था, सेल तोड़ते थे तो अंदर से वो पानी निकलता था, अब वो ड्राई आ गए हुए हैं। पहले वेट सेल, वो 5 5 5 का एक सेल होता था, मोटा सा, ऐसे बहुत ज्यादा हैवी सेल होता था, तो उसके ऊपर ऐसे लिखा होता था 5 5 5। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं अपने स्कूल लाइफ में वो सेल यूज करता रहा हूं। तो ये देखिए, आपके पास ये सेल जो है ना चैम्बर, ये इस तरह डिवाइडेड होता है अंदर से। एक तरफ फर्ज कर लें, मैं फर्ज कर रहा हूं, एक तरफ आपके पास होगा लिथियम और एक तरफ सॉल्यूशन होगा क्रोमियम का। लिथियम से, और सॉरी मैं उल्टा बना गया हूं, ऊपर क्रोमियम था नीचे लिथियम। अब लिथियम यहां से क्या कर रहा है, लिथियम यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो इस सेल से होते होते इधर क्रोमियम के पास चले जाए, ये बात समझ आई आपको कि यहां से वो लूज होंगे, यहां पर वो गेन होंगे। जब तक लिथियम मौजूद रहेगा आपका सेल काम करता रहेगा, जैसे ही लिथियम कम होना शुरू होगा आपका सेल वीक होना शुरू हो जाएगा।
और जब लिथियम खत्म हो जाएगा तो आपका पोटेंशियल, आप देखें सेल के ऊपर कई बार 1.1 वोल्ट 1.5 वोल्ट लिखा होता है। फिर आपने कभी सुना होगा मोबाइल फोन में बैटरीज जो होती हैं लिथियम आयॉन्स बैटरी, तो ये क्यों यूज करते हैं लिथियम आयन? क्योंकि तो आप देखें इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव है, यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए आप, और ये रिचार्जेबल होता है, इसीलिए तो आपके मोबाइल फोन की बैटरीज जो है वो दोबारा रिचार्ज हो जाती है। तो इसमें आप लोगों ने इस चीज का ख्याल करना है। अब आप किसी भी दो सेल्स का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी आपके पास ये चीज है कि आप कोई से भी दो सेल्स का पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं, मतलब अपने आप को खुद जज करें आप, उसका बड़ा आसान तरीका है, खुद का एहतसाब करें ताकि आपको नजर आए कि तब्दीली क्या है। हाय हाय, वो पाकिस्तानी कौम के लिए ना किसी ने एक शेर लिखा, अमजद इस्लाम अमजद का एक शेर है, लिखेंगे दुनिया वाले नाम अपना जी हजारों में, और नाच रहे हैं अपनी अपनी लाश पे हम बाजारों में, वार पे वार सहते हैं पर लहू की एक बूंद नहीं, जिस्म है सारे पत्थर के या काट नहीं तलवारों में। ये हाल हुआ पड़ा इस टाइम जो यहाँ पे सियासी सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन खैर चले जी, मुझे कोई दो एलिमेंट बताएं सिचुएशन के, कोई से भी दो एलिमेंट। एनी वन ऑफ यू? भाई इतने मुश्किल टॉपिक हो गए क्या? आयोडीन सर, एक एक आयोडीन ले लिया और दूसरा मैग्नीशियम। चले जी, इन दोनों का पोटेंशियल आपके सामने है, फाइंड आउट करें। मैग्नीशियम का कितना है जी? -2.39। मैग्नीशियम का आ रहा है जी 2.37। जी सर। और इसका कितना आ रहा है आयोडीन का? +0.535। आर आ रहा है जी इसका +0.55535। 535 जी बनाए हैं जरा इसका सेल, वही तरीका, आप ये क्रॉस मल्टीपल यू रखें और फिर शाबाश करके बताएं मैग्नीशियम को यहां पे सॉलिड होना चाहिए या आयोडीन? शाबाश, आप में से कोई सर, बच्चा, हाँ हाँ आयोडीन को होना चाहिए सर। आयोडीन को क्या होना चाहिए? सॉलिड। और मैग्नीशियम को? नहीं सर, मैग्नीशियम को सॉलिड करने आयोडीन को गैसियस होना चाहिए। मैग्नीशियम आप कह रहे हैं कि मैंने कर लिया न्यूट्रल, आप इस फैक्टर को ले रहे हैं ना, ये पॉसिबिलिटी नंबर टू को, और मैंने इसके साथ मिला दिया आयोडीन, इसने क्या किया, ये बन गया Mg2+2I। आप दरअसल ये कहना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। अब पोटेंशियल निकालें इसका, मैग्नीशियम को पॉजिटिव कर रहे हैं आप, शाबाश आपने जल्दी निकाल लिया, माइनस उसको वैसे ही रहने दें, करें हाँ जरा माइनस क्या आता है, फिर ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग होगा सर, कैलकुलेटर अभी ओपन।
जी, जो भी पोटेंशियल है पॉजिटिव आएगा ना, जी सर इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। ये सेल बनाना पॉसिबल है, इट इज जी पॉसिबल। सर पॉसिबल। और अगर मैं उल्टा करूंगा तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं नहीं होगा, है। नेगेटिव में। एग्जैक्टली, शाबाश। चले, ये बात आप लोगों को समझ आ गई। हम यहां तक रोक रहे हैं, हमने सेल पोटेंशियल्स तक पढ़ा है, और ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनती है। मैं आपको दिखा दूं जरा एक मिनट के लिए सिलेबस भी आप लोगों का, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने अपनी आउटलाइन में अभी तक क्या क्या चीजें जो है वो डिस्कस कर ली है। अल्लाह पर, ये देखने जी, सीएसएस में हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की हैं उसमें आयंस इन सॉल्यूशंस हमारा टॉपिक हो गया है, कंडक्टेंस हमने मेजरमेंट कर ली थी, क्लॉरिश ला पढ़े थे, मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। आप देखें ना, उसने मोबिलिटी ऑफ आयंस एंड ट्रांसपोर्ट नंबर में उसका मेथड नहीं दिया, आप इसका मेथड फिर भी पढ़ लीजिएगा। ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन मैंने वाइंड अप करवानी थी, लेकिन ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। इसके बाद हमने डिबाय हक्कल थ्योरी, एक्टिविटी एफिशिएंट डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, यहां से आपने ये देखना है, ये हमने किया स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ये किया, लिक्विड जंक्शन वाला भी नहीं किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर लिया हम लोगों ने, जी सर इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिए। ठीक है, ये आपका तो है, ये सीएसएस के हवाले से था। और जो हमारे पीएमएस के लोग हैं, मैं उनको भी बता दूं कि पीएमएस में जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एक आपका ये रह गया है टनलिंग इफेक्ट रह गया, ठीक है, जी सर। और यहां से आपको बच्चों ये रह गया है, ये हाँ कंडक्टेंस सर हो वो गई। डीजनरेट जाता हाँ जी, कौन सा डीजनरेट, वो मैं करवा दूंगा, वो तो 2 मिनट का काम है, डीजनरेट मुश्किल नहीं। अच्छा, ये देखें, आपकी डिबाय हक्कल थेरी हो गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स मेजरमेंट, ये भी हो गया, एक्टिविटी एंड है। यस एक्टिविटी सर। कॉफिशियंट जो है ना, ये बस थोड़ा सा आपको मैं करवा दूंगा, ये मुश्किल नहीं है, बस सिंपल जी सी सर। चीजें हैं। तो आपका सिर्फ कोरोजन का टॉपिक रह गया, बाकी आपके टॉपिक कवर हो गए। इधर सिर्फ सेल पोटेंशियल के टॉपिक हैं ज्यादा, तो आपका तो सिलेबस वैसे थोड़ा है, और यहाँ पर आपका ये डीजनरेसी है, ये मैं करवा दूंगा, और एक ये रह गया, बाकी आपकी बड़ी सिंपल चीजें हैं पीएमएस में, कुछ भी नहीं है और। ठीक हो गया, जी सर चलें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला जी, नेक्स्ट टाइम आई थिंक सो कि हम रोजों में, मैं कोशिश करूंगा कि हम 2-3 दिन, मतलब ज्यादा दिन भी हो जाए तो 2-3-4 दिन करके ना, तो आपका ये काम वाइंड अप करते, तो आपका जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। मेरा आपके पास जो सिलेबस है वो थर्मोडायनामिक्स भी है, जस्ट फॉर अ मिनट।